हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में, अभी आपको ये खबर वायरल है, सुशील कुमार अरेस्ट हुए हैं मर्डर केस में और वो एक्यूज हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ उनके ऊपर और ये केस जो है वो कोर्ट के अंदर है। तो उन्होंने अभी एक टीवी की डिमांड की है अपने सेल के अंदर, ताकि वो अपनी जो भी रेसलिंग लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में जान पाएँ कि क्या चल रहा है रेसलिंग वर्ल्ड में। तो उसी आर्टिकल के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ वो कैब जो न्यू होंगी आपके लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसकी हेडलाइन है वो है, मर्डर एक्यूज्ड ओलंपियन सुशील आस्क फॉर टीवी। उन्होंने टीवी की डिमांड की है अपने सेल के अंदर। आप सबको पता है कि ये न्यू दिल्ली से आर्टिकल होगा क्योंकि तिहाड़ जेल में कैद हैं सुशील कुमार। इंडियाज़ ओनली टू टाइम इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, जो दो बार रह चुके हैं ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार लगातार, करंटली लॉज इन दिल्ली तिहाड़ जेल। अब लॉज का मतलब मैंने बताया था कि दर्ज कराना किसी को, या तो आप कंप्लेंट दर्ज कराएं पुलिस स्टेशन में, हु लॉज कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन, या फिर कोई जेल में किसी को लेके जाएं तो उसको भी लॉज ही पढ़ा जाता है। हैज़ रिटन टू द प्रिजन सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्टिंग फॉर अ टेलीविजन सेट इनसाइड हिज सेल टू स्टे अपडेट एंड किल टाइम। उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रिजन सुपरिटेंडेंट, जो प्रिजन यानी कि जेल को कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्टिंग फॉर अ टेलीविज़न। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से डिमांड रिक्वेस्ट की है एक टेलीविज़न सेट की उनके सेल के अंदर, ताकि वो अपडेट रह सकें, अपडेटेड एंड किल टाइम, वो टाइम को निकाल सकें। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल प्रीवी टू द रिक्वेस्ट, जो ऑफिशियल्स प्रीवी यानी कि गुप्त एजेंसी है उससे पता चला है कि उन्होंने डिमांड की है। कुमार 38, जो कुमार हैं वो 38 ईयर्स के हैं, इज लॉज्ड इन अलोन इन अ सेल इनसाइड जेल नंबर 2। अब यहाँ जो लिखा है लॉज अलोन इन सेल इनसाइड जेल, वो अकेले अपने सेल के अंदर हैं, टू बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड थ्रेट टू हिज लाइफ, उनकी जान को जो खतरा है। परसीव्ड मतलब होता है कि समझना या मानना, जो जेल की अथॉरिटी है वो समझती है कि उनके थ्रेट मतलब होता है खतरा या धमकी, जो भी आप कहना चाहें। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी वो कैब डिस्कस करते हैं तो उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक वो कैब का एक मतलब नहीं होता, उसके काफ़ी सारे मतलब होते हैं। मतलब समझ में आता है उसके जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है उसके थ्रू, तो आप सेंटेंस को भी ढंग से अच्छे से पढ़ें ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ सके। और एक वो कैब एक जगह पे किसी और चीज़ के लिए यूज़ की जाती है और दूसरी जगह पे किसी और चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो उसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड थ्रेट टू हिज लाइफ, उनकी जान को खतरा है ऐसा समझती है जेल अथॉरिटी, इसलिए उनको सेल के अंदर अकेला रखा हुआ है। देखो, अलोन इन अ सेल। उसके बाद है लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने, दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज इन्फॉर्म्ड प्रिजन अथॉरिटीज़, जो जेल की अथॉरिटी हैं उनको सेंट्रल एजेंसी ने इन्फॉर्म किया है अबाउट द थ्रेट ऑफ कुमार्स लाइफ, उनकी जान को खतरा है किससे, फ्रॉम अ सिटी गैंगस्टर, जो सिटी का जो गैंगस्टर है उससे। प्रिजनर्स हु हैव अ थ्रेट टू देयर लाइफ, जो कैदी होते हैं अगर उनकी जान को खतरा होता है, अपनी जान को अपने से ही खतरा होता है, और आर अ थ्रेट टू अदर्स, या फिर किसी और से खतरा होता है। आपको याद होगा कि निर्भया केस में 4 और एक्यूज थे, उसमें से एक ने अपने को क्या कहते हैं सुसाइड किया था उसने अटेम्प्ट, और वो भी जेल में किया था और वो मर गया था। तो उसके बाद ये शायद गाइडलाइन इशू हुई है कि जिसको खतरा होता है वो सेल में उसको अलग रखा जाता है, तो अगर उसको अपनी जान का खतरा खुद से ही है या फिर किसी और से है। यहाँ पे आप देखिए, प्रिजनर्स हु हैव अ थ्रेट टू देयर लाइफ, या तो खुद से और आर अ थ्रेट टू अदर्स, थ्रेट मतलब होता है खतरा या किसी और से है, आर लॉज्ड अलोन इन अ सेल, उनको अकेला कर दिया जाता है एक सेल के पूरे अंदर, वाइल अदर शेयर स्पेस, उनके साथ कोई स्पेस शेयर नहीं करता। प्रिजनर्स आर ऑल्सो लॉज्ड इन बैरिक,
जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको बैरक में रखा जाता है, और जो सिंगल होता है उसको सेल में रखा जाता है। दिस इज़ कुमार सेकंड रिक्वेस्ट टू जेल ऑफिसर्स सिंस जून थर्ड। जो कुमार की रिक्वेस्ट है वो दूसरी बार मिली है जेल को 3 जून के बाद, मतलब लगातार 3 जून से मिल रही है। द डे ही वॉज ब्रॉड टू द प्रिजन, अब्रॉड का मतलब तो आपको पता ही है, लाया गया। द डे ही वॉज ब्रॉड टू द प्रिजन कॉम्प्लेक्स ऑन जुडिशियल कस्टडी, उसको जैसे ही जेल में लाया गया जुडिशियल कस्टडी से, कुमार हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ फेलो रेसलर सागर धनखड़ इनसाइड छत्रसाल स्टेडियम। ये सबको पता है कि सागर धनखड़ के कत्ल के जुल्म में ये जो सुशील कुमार है उनको लाया गया है जेल में। अब फेलो का आपको मतलब पता है, साथी होता है, जो साथी रेसलर है उन पर हमला करने के लिए लाया गया है। लास्ट मंथ ही रोड टू द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड हिम स्पेशल फूड। लास्ट मंथ भी उन्होंने ये कहा था कि, एक लेटर लिखा था उन्होंने प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को कि मुझे स्पेशल फूड चाहिए, एक्सरसाइज बैंड चाहिए एंड डाइट सप्लीमेंट्स चाहिए। ही वॉज अ प्रोफेशनल रेसलर एंड वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स, वो अपने जो जितने भी फ्यूचर इवेंट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके लिए तैयारी करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने ही मूव्ड अ सिटी कोर्ट, उन्होंने यही बात कोर्ट में कही विद द सेम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ। दिस रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड बाई जेल ऑफिसर्स, जेल ने उनकी ये जो बात थी उनको डिनाइड कर दिया, खारिज कर दिया। एंड ऑल्सो द सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, विच डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, ये सेकेंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। विच नोटेड दैट द स्पेशल फूड एंड सप्ली, अब यहाँ पे जो लिखा है हमारे लिए कंटिन्यूड ऑन पेज 12, तो हम पेज 12 की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है विच नोटेड दैट द स्पेशल फूड एंड सप्लीमेंट्स होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। सप्लीमेंट्स वर जस्ट विशेज एंड नॉट इजेंशियल आइटम्स, ये कोई इजेंशियल आइटम नहीं है। इजेंशियल आइटम आपको पता ही होगा जब से कोरोना आया, इजेंशियल मतलब जरूरी सामान नहीं है ये। कमेंटिंग ऑन कुमार्स लेटेस्ट रिक्वेस्ट, अ प्रिजन ऑफिसर्स हु आज नॉट टू बी अ नेम्ड सेड, जो उनका नाम नहीं पूछा बट उन्होंने क्या कहा है, अबाउट 4-5 फ्यू डेज अगो ही रोट अ लेटर टू द जेल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने जेल को लेटर लिखा था 4-5 दिन पहले, आस्किंग फॉर अ टीवी सेट, उन्होंने टीवी सेट की डिमांड की थी। ही सेड ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अपडेटेड अबाउट वट वॉज हैपनिंग इन द रेसलिंग वर्ल्ड, वो जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सेड ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड का मतलब ही वॉन्ट मतलब कि उसको कुछ चाहिए, ही वॉन्टेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, वॉन्ट की वॉन्टेड हो गई है। ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अपडेटेड, वो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं अबाउट वट वॉज हैपनिंग इन द रेसलिंग वर्ल्ड, की रेसलिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ही सेड इन हिज लेटर दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू वॉच न्यूज़ एंड मोनिटर द डेवलपमेंट्स इन हिज केस, उनके केस में क्या डेवलपमेंट हो रही है वो मोनिटर करना चाहते हैं, उनकी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और अपने रेसलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसको पढ़ना चाहते हैं। ही सेड दैट सिंस ही वॉज लॉक्ड अलोन इन द सेल, वो यहाँ पर जब से आए हैं तब से अकेले ही बंद हैं जेल में। अ टेलीविजन सेट वुड नॉट ऑल्सो हेल्प हिम पास टाइम इनसाइड, टाइम पास करवा सकता है उनका अकेला खालीपन जो क्या कहते हैं टेलीविजन है। द प्रिजन्स डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल कन्फर्म्ड कुमार हैड मेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने कन्फर्म किया इस रिक्वेस्ट को। वी आर लुकिंग इन टू इट ही सेड, उन्होंने कहा है कि हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। टू बी श्योर अ टेलीविजन सेट इज नॉट अ प्रोहिबिटेड आइटम इन साइड प्रिजन, हम सब जानते हैं और ये होना भी चाहिए कि जो टेलीविजन सेट है वो प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे मना है इस चीज़ की टेलीविजन का जेल के अंदर। देर आर टेलीविजन सेट्स इन साइड सेल फॉर इंडिविजुअल प्रिजनर्स एंड इन साइड बैरक, ये किसी के पास भी नहीं होता है बैरक और सेल में। वेयर वन टेलीविजन सेट इज शेयर्ड बाई मैनी प्रिजनर्स, सारे जो जितने भी कैदी हैं उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। कुमार्स कंसल एडवोकेट प्रदीप राणा सेड, जो प्रदीप राणा हैं कुमार के जो वकील हैं, उन्होंने कहा है वट इज रॉन्ग विद रिक्वेस्टिंग अ टेलीविजन, उन्होंने क्या गलत कहा है अगर इस चीज़ की रिक्वेस्ट की। इट इज़ अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध रिक्वेस्ट या सही जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, और लेजिटिमेट का मतलब होता है या तो वैध
अगर आप प्रॉपर हिंदी में बात करें, या फिर सही, इट इज़ अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, ये सही रिक्वेस्ट है। इवन प्रिटी क्रिमिनल्स एंड बिग गैंगस्टर्स हैव अ टीवी इनसाइड देयर सेल। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या बड़े गैंगस्टर होते हैं उनके पास टीवी होता है सेल के अंदर। द कोर्ट हैव इन द पास्ट अलाउड प्रिजनर्स, कोर्ट ने भी प्रिजनर्स को अलाउ किया था टीवी एक्सेस टू टेलीविज़न। इट इज़ नॉट सिक्योरिटी थ्रेट, इसे कोई भी जो खतरा है वो नहीं है सिक्योरिटी का। एंड कैन नॉट बी मिसयूज्ड इन एनी वे, इसको मिसयूज का मतलब होता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल इसको नहीं किया जा सकता है। द जेल अथॉरिटी से दे आर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट बट द ट्रूथ इज़ दे आर नॉट। जेल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि वो इसके ऊपर ध्यान देंगी, बट जो सही बात है वो है कि वो नहीं देंगी। प्रिजनर्स हैव इन द पास्ट मेड डिमांड्स दैट हैव सरप्राइज जेल ऑफिसर्स, जो प्रिजनर्स हैं कैदी जो हैं उन्होंने पास्ट में जितने भी भूतकाल में कह लीजिए आप, या जो पिछला जो कैदी थे उन्होंने ऐसी ऐसी डिमांड रखी हैं कि जो जेल ऑफिसर्स थे वो सरप्राइज हो गए, यानी कि भौचक्के रह गए। इन मे 2019, अब यहाँ पे बात आई है 2019 में, क्रिश्चियन माइकल द एलिज्ड मिडलमैन इन द स्क्रैप्ड, अलेज्ड मतलब होता है या तो थोपा हुआ, क्रिश्चियन आप इसको लिख लीजिएगा, अलेज मतलब थोपा हुआ या फिर कहा हुआ, मिडलमैन इन द स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड मतलब होता है ख़त्म कर देना। जो क्रिश्चियन माइकल था वो थोपा हुआ था, मिडलमैन इन द स्क्रैप्ड ख़त्म कर देना। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, उन्होंने इस डील को ख़त्म कर दिया था। हैड कंप्लेंड अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड, उन्होंने जो फूड की क्वालिटी है जेल के अंदर उस पर कंप्लेंट की थी। ही वॉज गेटिंग इन तिहार जेल, वो तिहार जेल में थे। ब्लेम्ड इट फॉर हिज वेट लॉस, उन्होंने कहा था कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। एंड डिमांडेड वेस्टर्न फूड, उन्होंने वेस्टर्न फूड की डिमांड की थी। एंड ही रीजन्ड, उन्होंने रीज़न भी दिया था इसके पीछे, दैट वेस्टर्न फूड हैड लेस अनियन एंड स्पाइसेस, जो प्याज होती है और मसाले जो होते हैं वो वेस्टर्न फूड में कम होते हैं। दिल्ली गैंगस्टर नीरज बवाना हैड डिमांडेड होम कुक्ड फूड एन आईपॉड एंड अ रेडियो, जो नीरज बवाना हैं उन्होंने डिमांड की थी घर के बने खाने की, आईपॉड की और रेडियो की। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जो हमारे सुशील कुमार हैं उन्होंने टीवी की डिमांड की है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस डिमांड को अब नहीं सुना जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे थ्रेट हो चुके हैं, खतरा बन चुके हैं लास्ट टाइम में, जो पिछला अगर हम वो देखते हैं रिकॉर्ड, तो प्रिजनर्स प्रिजन के अंदर आई थिंक कि ये अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन भी लिखी है जो आपको पढ़ के मजा आएगा। द जेल अथॉरिटीज से दे आर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा है कि हम कंसिडर करेंगे रिक्वेस्ट को, बट द ट्रूथ इज दे आर नॉट, कि वो इसको नहीं करेंगे और ना करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे वो जो गया है वो अपनी सज़ा काटने गया है, जो उसने जुर्म किया है या फिर किसी भी पर्पज़ से वो अंदर गया है, तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ऐसे एक डिमांड को अगर आप पूरा कर देंगे तो काफ़ी सारी डिमांडेड और बढ़ती रहेंगी आगे आगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अब जैसे एक व्यूअर थे मेरे, उन्होंने इंस्टाग्राम से मेरे से आस्क किया था, उन्होंने पूछा था कि आपने जो वो कैब मुझे बताई हैं और जो मतलब बताया है, काफ़ी जगह उसके मतलब अलग हैं, तो एक वो कैब का एक मतलब नहीं होता है, एक वो कैब का टाइम के हिसाब से मतलब बदलता रहता है और दो तीन मतलब निकलते हैं। कुछ वो कैब होती हैं जिनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, मतलब होता है उनसे मिलता जुलता ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है। तो आप ये पहले चेक करें कि सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पे वो कैब यूज़ हुई है सेंटेंस के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू आर वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आपको एक तो सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए आपको वो कैब आ गई तो आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी। अगर आपको वो कैब ही नहीं आती है प्रॉपर, तो आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और वो कैब बेसिकली ये तो पेपर की वो कैब है जो हम नॉर्मल बोलते हैं, वो तो सारी ईजी होती हैं, ये पेपर की वो कैब जब भी आप वीडियो देखा करें तो आप एक नोटबुक लेकर बैठा करें, और जो भी इसमें मैं या कोई भी जिसकी भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो जो भी यहाँ पर वो कैब आपको आर्टिकल में से बताते हैं, आप उनको नोट किया कीजिए और
उनको बार बार रिवाइज किया कीजिए, उससे क्या होगा आपको वो सारी वोकैब याद हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।